गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे इज नेक्स्ट पॉइंट द रिएक्टिव सीरीज चैप्टर नंबर 4. रिएक्टिव सीरीज में अपन देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं इसमें अपन देखेंगे कुछ जब रिएक्शन होती है एलिमेंट्स के बिटवीन, तो उन रिएक्शंस में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं. कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जो कि कम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि पावरफुल कम होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं अपन. तो अपन इसको लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव के फॉर्म में इसको देखेंगे. मतलब ये कह सकते हैं अपन, जो मोर रिएक्टिव है, जो ज़्यादा रिएक्शन करता है, रिएक्शन में फास्ट पार्टिसिपेट करता है, तो वो क्या कर सकता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, उसकी जगह ले सकता है, ठीक है. जबकि लेस रिएक्टिव क्या नहीं कर सकता, मोर रिएक्टिव की इस जगह नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसके कंपैरेटिवली क्या है, एक तरह से अपन कहें पावरफुल है, या ऐसे कहें मोर रिएक्टिव है, ठीक है. तो इसको सबसे पहले रिएक्टिव सीरीज देखें अपन. इससे प्रीवियस जो टॉपिक था अपना रस्ट के ऊपर अपन ने देखा था, जो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, रस्टेड आयरन जिसको कहा था अपन ने फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और ये कैसे होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है जिसमें रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. फिर प्रिवेंशन के मेथड देखे थे कि रस्ट से अपन मेटल को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. इसमें अपन ने ग्रीस का यूज किया, कलर पेंट, अपन ने ऑयलिंग की, जिंक की कोटिंग की जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा, ठीक है, क्रोमियम की कोटिंग की. इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, मेटल को डायरेक्ट मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं और रस्ट से बचा सकते हैं. अब देखते हैं रिएक्टिव सीरीज. ऑन द बेसिस इन द रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बट लेस रिएक्टिव एलिमेंट नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स. तो इसमें क्या होता है, इन बेसिकली रिएक्शंस में ऐसे एलिमेंट्स जो कि मोर रिएक्टिव होते हैं, जो फास्ट स्पीड से रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं. जबकि लेस रिएक्टिव होते हैं जो कि कम पावरफुल होते हैं या कम एक्टिव रहते हैं, वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, उसकी जगह नहीं ले सकते. तो जो सबसे रिएक्टिव सीरीज में जो टॉप पर है, जैसे कि लिथियम है, ठीक है, पोटेशियम है, मतलब लिथियम मोर पावरफुल है, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. उसके बाद में पोटेशियम है, पोटेशियम को लिथियम क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, लेकिन पोटेशियम लिथियम को रिप्लेस नहीं कर सकता. ऐसे बेरियम है, बेरियम को लिथियम भी रिप्लेस कर सकता है, पोटेशियम भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन बेरियम इन दो को रिप्लेस नहीं कर सकता. तो अपन कह सकते हैं लिथियम पोटेशियम इसके कंपैरेटिवली क्या है, मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है. ऐसे बेरियम है, बेरियम के बाद में कैल्शियम है, कैल्शियम को ये तीनों एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम से मोर पावरफुल है, जबकि कैल्शियम इनके कंपैरेटिवली लेस पावरफुल है, लेस रिएक्टिव है. ऐसे सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, फिर कार्बन है, जिंक है, आयरन है, निकिल है, टिन है, एसएन, लेड है, पीबी, हाइड्रोजन एच है, कॉपर है, टंगस्टन है, डब्ल्यू है, ठीक है, मरकरी है, HG, सिल्वर AG, गोल्ड AU, प्लेटिनम PT. तो अपन ये कह सकते हैं प्लेटिनम क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव है. इस प्लेटिनम को सभी जो भी इस सीरीज में है ये सभी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन प्लेटिनम सबको रिप्लेस नहीं कर सकता. तो अपन कह सकते हैं प्लेटिनम से ये सारे क्या है, मोर पावरफुल है, जबकि ये लेस रिएक्टिव है. ऐसे कह दे गोल्ड को ये सारे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, प्लेटिनम रिप्लेस नहीं कर सकता, क्लियर है. तो गोल्ड किसको रिप्लेस कर सकता है, प्लेटिनम को, इन सबको रिप्लेस नहीं कर सकता. तो कहने का मीन्स है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कि ये मोर पावरफुल है, लेस पावरफुल, फिर उससे लेस पावरफुल, फिर उससे लेस पावरफुल. तो अपन कह दें कि रिएक्टिविटी सीरीज का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले बड़ा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिव सीरीज का. इसके अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव सीरीज. अपन इस रिएक्टिव सीरीज का यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लेंगे. डिस्प्लेस नाम से पता चल रहा है कि जगह एक्सचेंज कर लेना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं इसमें, जिसमें मोर पावरफुल जो एलिमेंट है लेस पावरफुल एलिमेंट की जगह अचीव कर लेता है, उसको रिप्लेस कर देता है. दोज रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव
मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अपन ये कह सकते हैं इन इस रिएक्शन में जो हाईली जो रिएक्टिव मेटल्स हैं या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कह दें या मेटल कह दें, वो क्या कर देते हैं डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं ईजिली डिस्प्लेस कर देते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं, उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझें अपन, जैसे कि आयरन है और कॉपर सल्फेट है, इनमें रिएक्शन होए तो क्या होगा। देखिए आयरन अभी रिएक्टिव सीरीज में देखें, देखिए जो आयरन है ये जो Fe है आयरन है, ये कॉपर से क्या है मोर पावरफुल है या ऐसे कहें मोर रिएक्टिव है, और ये कॉपर क्या है इसके कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है, तो आयरन इसकी जगह ले सकता है, इसको रिप्लेस कर सकता है। तो अपन ये कह दें कि जो आयरन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव, तो ये आयरन क्या करेगा इस कॉपर की ये क्या करेगा रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह ले लेगा, और किससे अटैच होगा सल्फेट के साथ, और आयरन और सल्फेट के बीच में से क्या बन रहा है आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए आयरन की टू वैलेंसी ले रहे हैं, सल्फेट की भी माइनस टू तो कट जाती, तो FeSO4 फेरस सल्फेट बना, ठीक है, और ये कॉपर क्या हो गया रिलीव हो गया, अलग से सेपरेट हो गया, तो इसको कह देंगे अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसने इसकी जगह ले ली और इसको रिलीव कर दिया, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव था ये मोर रिएक्टिव था। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, तो अपने को रिएक्टिव सीरीज ध्यान में रहनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जैसे जिंक है इसको बाकी बैलेंस कर दें, देखिए मेरे ख्याल से ये रिएक्शन क्या है ऑटोमेटिकली बैलेंस है। जैसे जिंक है, जिंक क्या कर रहा है कॉपर से क्या है मोर पावरफुल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर पे पॉजिटिव है सल्फेट पे नेगेटिव है, तो देखिए जिंक को देखें अपन, जैसे जिंक है इस कॉपर से मोर पावरफुल है और ये क्या है लेस पावरफुल है, या लेस रिएक्टिव कह दें या मोर रिएक्टिव कह दें, तो जिंक देखिए रिएक्टिव सीरीज में कॉपर से टॉप पे है, तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है या मेटल है, ये इसको क्या करेगा रिप्लेस करेगा, इसकी जगह ले लेगा और कॉपर को हटा देगा, तो सल्फेट के साथ अटैच होगा श्योर है, तो जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा आपको पता है, जिंक की पॉजिटिव वैलेंसी होती है टू, सल्फेट की माइनस टू, तो ये कट जाएंगी, ठीक है, तो जिंक सल्फेट बना और ये कॉपर क्या हो गया रिलीव हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल थे, आप सीनियर क्लास में आएंगे टेंथ में जब जाके आप डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन देखेंगे, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। सीनियर क्लासेस में आप और भी इस टॉपिक के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन यूजेज ऑफ मेटल्स देखेंगे, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।